नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 खबरों में नजर डालेंगे। सबसे पहली खबर में बात करेंगे हम तवांग में तनाव, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो तनाव हुआ है, उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर में बात करेंगे अंकिता हत्याकांड में स्पेशल अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है, क्या पूरी खबर है वो भी आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, क्या मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। NIOS DLED प्रशिक्षितों को सुप्रीम झटका एक मिला है, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आखिरी खबर बात करेंगे उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी क्यों आखिरकार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुए तनाव को लेकर। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई। इस झड़प में कई सैनिकों के मामूली रूप से चोटिल होने की खबर भी सामने आई। इसको लेकर के विवाद पूरे दिन भर का चलता रहा। संसद भवन में भी जोरदार हंगामा हुआ। ये पहली बार नहीं है जबकि चीन की तरफ से कोई ऐसी हरकत की गई हो कि जिस पर तनाव जैसी स्थिति बनी हो। इससे पहले भी चीन लगातार सीमा पर घुसपैठ करता हुआ नजर आया है। अब तवांग सेक्टर में हुए इस तनाव के बाद उत्तराखंड के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर भी सतर्कता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड की सीमा जो है वो चीन से मिलती है और एक अच्छे खासे अमाउंट में ये सीमा जो चीन के साथ लगती है, यहां पर अक्सर चीनी सैनिकों की तरफ से कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसी के चलते अब इस बॉर्डर पर भी सतर्कता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड की करीब 345 किलोमीटर की सीमा बेहद ही संवेदनशील रही है, जिसमें कि 112 किलोमीटर की सीमा उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तरकाशी के नेलांग घाटी में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई और अधिकतम तापमान 4 डिग्री व न्यूनतम तापमान -10 डिग्री के बीच होता है, जहां पर सैनिकों के लिए परिस्थितियां भी बेहद कठिन होती हैं। वहीं भारत चीन संसदीय समूह के पूर्व अध्यक्ष तरुण विजय ने आशंका जताई है कि चीनी सैनिक उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के बड़ा होती क्षेत्र में फिर से अपनी शरारत को अंजाम दे सकते हैं। ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी बड़ा होती बॉर्डर पर चाइना की तरफ से बार बार शरारती काम किए जाते रहे हैं, यानी कि घुसपैठ जैसी खबरें वहां से भी सामने आती रही है। इसीलिए ये इलाका भी बेहद संवेदनशील हो जाता है। इससे पहले भी चीन बाराहोती बॉर्डर पर करीब 63 बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है। आपको यह भी बता दें कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है वो किस राज्य में कितना है। उत्तराखंड राज्य में 345 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया चाइना के बीच में शेयर होता है। हिमाचल में 200 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 1597, सिक्किम में 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश जिसके तवांग सेक्टर में ये झड़प हुई वहां पर करीब 1126 किलोमीटर की सीमा दोनों ही देशों के बीच में देखने को मिलती है। इसीलिए तवांग सेक्टर में हुए इस तनाव के बाद अब उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों में भी सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों ही आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जो अर्जी दी गई थी उस पर दो जो आरोपी हैं उनकी तरफ से सहमति जताई गई, जबकि एक आरोपी की तरफ से इसमें 10 दिन का समय मांगा गया है। कोर्ट में इसकी सुनवाई 22 तारीख को होगी। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में एक और बड़ा अपडेट ये है कि अंकिता हत्याकांड की पैरवी के लिए अब एक स्पेशल अधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा। बकायदा पुलिस विभाग की तरफ से न्याय विभाग के लिए इसके संबंध में पत्र भी लिखा जा चुका है। ये बताया गया है कि विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति इसलिए की जा रही है ताकि मुकदमे की पैरवी में अभियोजन के पक्ष को और भी ज्यादा मजबूती के साथ पेश किया जाए। ये माना जा रहा है कि इससे आरोपियों को सजा दिलाने में तेजी के साथ काम किया जा सकेगा। आपको ये भी बता दें कि अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट के लिए दो जो आरोपी हैं उनके द्वारा सहमति दे दी गई है और तीसरे आरोपी के द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया है। न्यायालय में अब 22 तारीख को इस पर सुनवाई की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब पुलिस ने चार्जशीट लगभग तैयार कर दी है और जल्द ही इसे फाइल भी कर लिया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिले। उन्होंने मुलाकात प्रधानमंत्री से की और उत्तराखंड की कई योजनाओं पर जो कि लंबित पड़ी हुई हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि सीएम ने विभिन्न लंबित मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की, साथ ही प्रधानमंत्री को लोहाघाट के मायावती आश्रम आने का न्योता भी दिया। सीएम ने उत्तराखंड की 44 जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम के सामने बात रखी। सीएम ने यह कहा है कि उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। कई योजनाएं उत्तराखंड की अटकी हुई हैं, जो कि कुछ कोर्ट में अटकी हुई हैं और कुछ विभागीय दिक्कतों के चलते अटकी हुई हैं। इनको जल्द से जल्द शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आज मैंने उनसे भेंट करी थी, उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो कि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में
सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएँ बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गांवों को भारत नेट की हमारी जो फेज टू में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी, तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएँ हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में, भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आप भी किए हैं, और किस तरह से देखिए वहाँ संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जवान वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है, वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता शौर्य पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी। अब बात कर लेते हैं NIOS DLED प्रशिक्षितों को लेकर। दरअसल NIOS DLED प्रशिक्षितों को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक बनने के लिए NIOS DLED को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही DLED अभ्यर्थियों को 2,000 रुपए के जुर्माने का हर्जाना देने पर भी रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। 30 जनवरी को इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक बनने के लिए हाईकोर्ट ने DLED NIOS प्रशिक्षितों को भी मंजूरी दी थी। इस फैसले को लेकर जो BEd DET प्रशिक्षित हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, और इस रिट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED पर रोक लगा दी है। रिट दायर करते वक्त ये कहा गया था कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय नियमित DLED कोर्स अनिवार्य है, जबकि NIOS DLED एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली है और ये अवधि महज 18 महीने की ही होती है। आपको ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 2600 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें NIOS DLED को भी शामिल करने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसमें से करीब 1800 जो शिक्षकों की भर्तियाँ हैं वो हो चुकी हैं और बाकी की जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। आखिरी खबर बात करेंगे उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को लेकर। दरअसल उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस बात को लेकर सौरभ जोशी को लगातार कई लोगों के द्वारा ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल अपने एक व्लॉग में सौरभ जोशी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके वीडियोज की वजह से लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं, उनके वीडियोज की वजह से लोग उत्तराखंड को जानते हैं। अपने वीडियो में सौरभ जोशी यहां तक कह गए कि इससे पहले लोग हल्द्वानी को नहीं जानते थे, अब उनकी वीडियो की वजह से हल्द्वानी को जाना जा रहा है। हल्द्वानी रोज ट्रेंडिंग में रहता है, उत्तराखंड ट्रेंडिंग में रहता है, भारत ट्रेंडिंग में रहता है, जो कि एक प्राउड की बात भी है।
सौरभ जोशी के इस बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। काफी सारे लोग उनसे नाराज भी नजर आ रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सौरभ जोशी का अस्तित्व हालिया है, जबकि उत्तराखंड और हल्द्वानी की किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तराखंड और हल्द्वानी की पहचान यहाँ की संस्कृति से होती है, यहाँ के टूरिज्म से होती है, यहाँ की जो वीर हस्तियां रही हैं उनसे होती है, और भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद यूट्यूबर सौरभ जोशी को पता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड की पहचान और हल्द्वानी की पहचान किससे होती है। अपने इस वीडियो को लेकर के सौरभ जोशी काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं, लोग उन्हें तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।